बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, बीएससी मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। सेमेस्टर एक यूनिट वन, हर यूनिट के आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। बस ये कर लीजिएगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र इनसे ही आपके 90% पक्का बनेंगे। बस इन प्रश्नों को आप अपनी समझ से करना, रटना नहीं, समझ से कर लेना। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, इसलिए आप पूछा ना करें कि किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, ये प्रश्न कर लिए तो 90% पक्के, डेफिनेटली पक्के। चलिए तो पहली हम बात करते हैं, पहला यूनिट, ये जो क्वेश्चन है मात्र ये यूनिट वन के हैं। यूनिट वन यानी कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाली उसकी यूनिट के हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसी को कर लीजिएगा। इसमें पहले यूनिट के मात्र मैंने आपका 15 प्रश्न आपको निकाले हैं, बस ये 15 प्रश्न कर लोगे, इनसे बाहर नहीं आएगा। यूनिट वन से जो भी प्रश्न आएगा वो इनसे बाहर नहीं आएगा, इनको कर लीजिएगा। पहला है लिमिट, फाइंड द लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1, ये मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। ये आपको लिमिट फाइंड करनी है, चलिएगा। ये दूसरा, ये लिमिट इतने बराबर इतने प्रूफ करनी है, ओके, चलिएगा। आगे प्रश्न ये देखिएगा, ये वाली लिमिट आपको इवेलुएट करनी है। कौन सी लिमिट इवेलुएट करनी है? ये वाली लिमिट आपको इवेलुएट करनी है, ओके, चलिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपको ये देखिए, ये कह रहा है सो दैट द फंक्शन इस तरीके से x टेंस टू 0 पर ये वाला फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये कंटिन्यूस है, समझ लीजिएगा। चलो आप ये देखिए, चेक कर लो ये कंटिन्यूस है या नहीं, ये कंटिन्यूस है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये कंटिन्यूस है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला, ये इवेलुएट करनी है, ये वाली लिमिट आपको इवेलुएट करनी है x टेंस टू 0 पर, ठीक है। ये डिस्कस द एग्जिस्टेंस, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये आपको बताना है, ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न ये आपको दिखाना है, प्रूव दैट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1/2 डज नॉट एग्जिट्स, ये डज नॉट एग्जिट्स दिखाना है, ये एग्जिट्स नहीं करती है, मतलब ये लिमिट एल एच एल और आर एच एल आपके बराबर नहीं आएंगे, ठीक है, चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, नन ऑफ द लिमिट एग्जिट्स इस तरीके से, ये आपको, चलो ऐसा कर लो, डिस्कस कर लो ये लिमिट कंटिन्यूटी है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है फंक्शन ये लिमिट, ठीक है, एग्जिट्स करती है या नहीं करती है, ये आपको बताना है। ये आपके 2 प्रश्न हैं, इनको आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये सो दैट द फंक्शन कंटिन्यूस एट द एक्स इजिकल टू 0, ये एक्स इजिकल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, ये आपको दिखाना है, ठीक है, चलिएगा। अगला जो प्रश्न है ये है, ये आपको दिखाना है एक्स इजिकल टू 2 पर कंटिन्यूस, ये वाला फंक्शन एक्स इजिकल टू 2 पर कंटिन्यूस, ये सारे प्रश्न मैं करा चुका हूँ, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो नहीं कराया है, ठीक है। ये वाला डिस्कस द कंटिन्यूटी, ठीक है, ये डिस्कस कंटिन्यूटी करनी है एक्स इजिकल टू 2 पर, एक्स इजिकल टू 2 पर डिस्कस करो, ठीक है, एक्स इजिकल टू 2 पर डिस्कस करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। अगला वाला देखिएगा, ये वाला एक्स इजिकल टू ए पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस, ये करना है प्रूव दैट एफ कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है एक्स इजिकल टू ए पर, एक्स इजिकल टू ए पर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये आपको बताना है, ठीक है, चलिएगा। ये आपको डिस्कस करना है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, डिस्कस करो एक्स इजिकल टू 0 पर, एक्स इजिकल टू 0 पर बताओ, ठीक है, कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिए ओरिजन, एट द ओरिजन एक्स इजिकल टू 0 पर आपको ये देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। आगे देखिएगा, ये आपको चेक करना है कंटिन्यूस एक्स इजिकल टू 1 और एक्स इजिकल टू 1, एक्स इजिकल टू 0 और एक्स इजिकल टू 1 पर ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है, चलिए। आगे देखिएगा, डिस्कस 0, 1, 2 इस पर डिस्कस करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, 0, 1, 2 पर ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है, तीनों पर अलग अलग। ये देखिए, ये तीनों प्रश्न आपको करने हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये एफ इजिकल टू 0 पर, ये भी 0 पर, ये भी 0 पर, तीनों फंक्शन 0 पर ही चेक करने हैं कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है, चलिएगा। और ये वाला
आपका प्रश्न है ये भी आपको ओरिजन एक्स इजिकल टू जीरो एक्स इजिकल टू वन पर चेक करना है, एक्स इजिकल टू वन पर ये चेक करना है, ठीक है। एक्स इजिकल टू जी वन पर चेक करो ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। और ये वाला प्रश्न एक्स इजिकल टू जीरो पर, एक्स इजिकल टू जीरो पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, बस यही प्रश्न है आपके। और एक डिस्कस द कंटिन्यूटी एक्स इजिकल टू वन, ये एक्स इजिकल टू वन पर चेक करना है, ठीक है। बस लिमिट्स के बस इतने ही सवाल हैं, ये कर लिए आपने डेफिनेटली आपका, और ये अभी आपका उसमें डिफ्रेंसिबिलिटी आएगी उसमें भी आपका ये काम आएगा, इसलिए इनको कर लीजिएगा बहुत ढंग से, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस इनको करिएगा। ये सारे प्रश्न मैंने बोर्ड पर सॉल्व कराए तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन जो भी आपको समझ में ना आए तो उसका कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपका सॉल्यूशन करा दूँगा।